बंगाली ब्राइड बनने से और भी ज्यादा मजा आ रहा है। ये दुर्गा के लिए था और दुर्गा के लिए ही होगा। इसको बंगाली में कहते हैं आठ पूरे। तो ये क्या हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शादी के बाद तो सभी को अच्छा लगता है। सिंदूर मेरे मांग में है, बट ये सिंदूर मेरे लिए नहीं है, दुर्गा के लिए। मांग टीका लगाने में, और हाँ सिंदूर भी है अभी। हाँ ठीक है, तो बता सकती हूँ। हेलो, हाय अद्रिजा, वेलकम टू सेलिब मोड। हाय, दिस इज अद्रिजा रॉय एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन सेलिब मोड। बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही इस लुक में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अटायर के बारे में? कितना टाइम हुआ आपको रेडी हुए, कितना मजा आया इसमें। थैंक यू सो मच, पहले ये बोलना चाहती हूँ। एंड टाइम ज़्यादा नहीं लगा मुझे, क्योंकि लुक दिखने में जितना लग रहा है उतना भी मतलब रेडी होने में, तैयार होने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये बार बार से खोल के बात करती हूँ अभी फ़िलहाल, अब तो देख लिया। तो बेसिकली साड़ी पहनने में और जो ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी पहनने में थोड़ा टाइम लगा। अदरवाइज़ मेकअप के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जैसा लग मतलब जैसे नॉर्मली बेसिक बेस करने में या जो भी करने में लगता है वही, और ऊपर से बस आईलाइनर एंड ये जो रेड एंड वाइट डॉट्स, ये ऐड हुआ है बस। अदरवाइज ये मांग टीका लगाने में, और हाँ सिंदूर भी है अभी। हाँ ठीक है, तो बता सकती हूँ। हाँ इतना अच्छा लगा आपको इस अटायर में, बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही है, और आप जैसे कि ट्रेडिशन भी आपका कुछ वैसा ही है जिस अटायर में आप हैं। हाँ, थैंक यू सो मच, मैं पहले बोलना चाहती हूँ। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे कहा कि रेडी होने में भी कितना वक्त लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि जैसे मैं रोज़ रेडी होती हूँ, मतलब मेकअप जैसे करती हूँ, आज भी वैसे ही किया, सिर्फ लाइनर ऐड हो गया था। और हाँ टाइम लगा बेसिकली, ये मांग टीका, ये ज्वेलरी एंड साड़ी, ये इसको बंगाली में कहते हैं आठ पोरे। इस साड़ी का जो पैटर्न है ना, इसको कहते हैं आठ पोरे। तो ये पहनने में थोड़ा टाइम लगा। वैसे साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, ये दुर्गा के लिए था, पर मुझे पहनना पड़ा। और हाँ, पर शादी तो हो चुका है, अभी सिंदूर मांग में सिंदूर भी है, लेकिन ये सिंदूर तो मेरे लिए नहीं है फिलहाल। शादी हुआ है मेरे साथ, पर ये सिंदूर मेरे लिए नहीं है, ये दुर्गा के लिए था और दुर्गा के लिए ही होगा, मतलब रहेगा। तो भी आगे जाके देखते क्या होता है। और हाँ, मुझे लुक बहुत ही अच्छा लगा। आई एम अ बंगाली, तो अब मुझे तो बंगाली ब्राइड बनने से और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अद्विजा, आप बहुत सारे बंगाली शोज तो कर चुकी हैं, जैसे कि दुर्गा चालू करी, क्या थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस लगती है अटायर में और लैंग्वेजेस नहीं, में? मुझे वैसा कुछ, हाँ लहंगा, क्योंकि क्या होता है ना, बंगाली शादी में लहंगा बहुत ही कम पहनते, ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी, साड़ी बहुत सारे, मतलब कैसे मैं साड़ी का नाम कह सकती हूँ, जैसे ढाकाई जामदानी, तोशोरे साड़ी, तो वहाँ ऐसे कहते, तो साड़ी ही पहनते ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शादियों में। एंड बिना, इसको कहते हैं बनारसी, तो ये तो सबको पता है। तो जैसे कि रेड बनारसी, ये इस इज़ मैंडेटरी फॉर बंगाली वेडिंग। तो हाँ बस यही है। और हाँ शाखा पोला, आई एम सो सॉरी आई मिस्ड इट। तो शाखा पोला ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना शादी हो ही नहीं सकती। तो हाँ बस यही है, और क्या। और हाँ ये चंदन से जैसे करते हैं, तो ये तो वहाँ इसको कहते हैं कालका, तो ये किया है यहाँ। तो 1960s की स्टोरी है, तो इसीलिए ये ज़्यादा उतना कुछ नहीं किया, डॉट्स ऐसा किया। पर हाँ पहले तो ऐसे ही होता था, अभी फिलहाल हम लोगों ने बहुत कुछ, हाँ चलो अच्छा दिखाने के लिए ये करते वो करते, तो बट अदरवाइज इसमें वो फील होता है, मतलब हाँ कि 1960s में हूँ मैं, तो ऐसा। ओके, इसके साथ ही सीन के बाद में तो मेरे दुर्गा बेहोश भी होगी, आप परेशान हैं, इसीलिए तो आपको कहा कि लगता सिंदूर मेरे मांग में, बट ये सिंदूर मेरे लिए नहीं है। हाँ बताओ बताओ। है। तो क्या लगता है दुर्गा अगर होश में आती है, आप कैसे देखिए क्या होगा उनका रिएक्शन, जब उनको पता चलेगा अनिर्बन को, तो क्या होगा उनका रिएक्शन? नहीं पता तो नहीं चलेगा, मैं अभी मुझे सीन मिला है यहाँ पे डिफरेंस का। हाँ तो पता तो चलना नहीं चाहिए उसे अभी, क्योंकि पता चलने से पता नहीं कि दुर्गा कैसे, मतलब ये उसके लिए भी, अभी तक ये उसके लिए भी राजी रहेगा, क्योंकि अभी उसे नहीं बता सकती कि हाँ शादी अब मेरे साथ हुआ है। कैसे बताऊंगी उसे, वो क्या सोचेगी, क्या करेगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, और मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एंड वो अनिर्बान से भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। तो वो इस सच को वो मान नहीं पाएगी, तो इसीलिए संपूर्णा, मतलब मासी माँ ने मुझे कहा कि अभी ये सच नहीं बताने के लिए उसे, और मैं भी नहीं बताऊँगी। तो आगे जाके अभी देखते हैं कि अनिर्बान को सच का पता चलता है या दुर्गा को क्या होता है, ये सच में, मतलब सच में आई डोंट नो, मुझे अभी तक नहीं पता है क्या होने वाला है, पर हाँ जो भी होने वाला है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।
दैट आई कैन शो. थैंक यू सो मच एंड यस कीप वॉचिंग दुर्गा और चारू, क्योंकि बहुत कुछ आने होने वाला है दुर्गा और चारू में. जैसे मुझे देख के पता चल रहा है कि ये सिंदूर मेरे मांग में है, बट ये सिंदूर मेरे लिए नहीं है, दुर्गा के लिए है. तो ये क्या हो गया? तो ये देखने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा दुर्गा और चारू मंडे टू फ्राइडे एट 10:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी. थैंक यू.